क्या हुआ दरबार में कभी थी कोई? तेरा आदर नहीं होता फिर बेटा तेरे बिना तो माँ भी नहीं चलती, पीछे क्यों हट रहा था, बच्चे से कोई गलती हुई है? फिर भोग नहीं मिला, भोग नहीं मिला, झंडा नहीं मिला, झंडा तो मिला नहीं तुझे? फिर झंडा तो गाँव में, झंडा गाँव में है, तुझे नहीं चाहिए, खुल के क्यों नहीं आता है बेटा? पता नहीं क्यों, बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नाम अशोक कुमार। पिता का नाम गुंजिया सिंह, गुंजिया सिंह। गांव नंगरी सदर। पहले पूछ आ चुकी है बेटा तेरी, किसी का काम है बेटा तेरा? माँ मैं तो स्टूडेंट। फिर काम धंधे की दिक्कत क्यों आ रही है आगे? नौकरी चाहिए, किस चीज में चाहिए? प्राइवेट में चाहिए, सरकारी में चाहिए? सरकारी। नहीं है बेटा, और बता। परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई और भी है जो नौकरी ढूंढ रहा है? माता नहीं है। परिवार में एक और आ रहा है, एक और जिसको नौकरी की दिक्कत है? और तो अभी फिलहाल नहीं है। ध्यान दे ले बेटा, फिर आती हो दूसरी बार के माता जी यहाँ से ही कहा था आपने। एक और है, ये किसको है नौकरी की दिक्कत है? सब चाचे में है क्या कोई? फिर ये भी मैं याद दिलाऊं, और मैं भी ये भी बताऊं तुम्हें कि तुमने इस सब्जी से रोटी खाई थी कल, तुमने उस सब्जी से खाई थी। पूछा लेने आते हो, खेल है क्या बेटा? अपनी चीजें ध्यान क्यों नहीं रखते हो? बाबू सुन मेरी बात, किसने कहा है कि शिवजी घोड़ा जा रहा है, कुल देवता है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है ना ही तो संतोषी माँ तुम्हारी कुल देवी है, ही विष्णु देवा। तो माता मम्मी पापा तो रहने की बड़ी खुश करने ये बताया था मुझे, अभी मैं आपको कहा था। ग्यारह रुपये की अरदास लगा मैं काली के नाम की, जाते रखा मैं पढ़ाती हूँ, बोल सच्चे दरबार की जय। माता मैंने आपका जाना, अभी समय है मेरे साथ चलने, कोई बात नहीं बेटा, ले लूंगी जरूरत अभी। सुन मेरी बात, ग्यारह रुपये की अरदास लगा दे काली के नाम की, काम धंधे के तेरी, अभी प्राइवेट नौकरी लगवा देती हूँ तेरी, सरकारी में भी समय है, ठीक है? ये बच्चा किसका बीमार है तेरे घर में? सात से आठ साल का बच्चा है बेटा बीमार, ये टाइफाइड हो रखा है इसको, सात से आठ साल का बच्चा है, और माता बिगड़ी हुई है बेटा इसके। तुझे हुई थी? मेरे लड़के माता निकली हुई है अभी, कब निकली थी? पीछे दो तीन महीने पहले। बेटा जी सुनो मेरी बात, शीतला माँ के नाम की पंजीरी बनानी है, बूंद जानते हो ना, पहले माई को भोग लगाना है, थोड़ा इतना ही बनाना है जितना बच्चा खा सके, ज्यादा नहीं बनाना, भोग लगाना है माँ को और बेटा राहुल, और उसके बाद बेटा जी माँ को भोग लगाने के बाद जो भोग माँ को लगेगा वो तो देना किसी पंडित को, और जो बाकी बचेगा उस सिर्फ बच्चे को खिलाना है, जिंदगी में कभी दोबारा टाइफाइड नहीं होगा, ठीक है? बहुत सच्चे दरबार की संतोष।